ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा मर्डर केस की तरह एक और नया मामला निकलकर सामने आया जो हैरान करने वाला है, और इस बार भी कत्ल करके टुकड़ों को अलग अलग फेंकने का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली खबर है क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस से हर कोई हैरान था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर से मिले इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी को सुलझाया है और मां बेटी को इस बार गिरफ्तार किया गया है। दोनों अपने शव के टुकड़े आपको बता दें फ्रिज में रखे हुए थे और उन टुकड़ों को पांडव नगर के इलाके में फेंक दिया करते थे। दिल्ली के पांडव नगर में क्राइम ब्रांच ने पति की हत्या के आरोप में एक महिला को उसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया है और दोनों ने मृतक के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था, रोज गुपचुप तरीके से मैदान में टुकड़ों को फेंक दिया करते थे। कहा जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस खौफनाक वारदात को पूनम और उसके बेटे दीपक ने अंजाम दिया। महिला ने अपने पति अंजन दास को नशे की गोलियां खिलाई और उसके बाद बेटे की मदद से उसकी हत्या कर दी। इसके पीछे जो वजह निकल कर आ रही है कत्ल की, वो है अवैध संबंध। दोनों ने अपने घर में अंजन दास के शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा, उसके बाद पांडव नगर के इलाके में फेंक दिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ रहे हैं। वरुण, श्रद्धा मर्डर केस जैसा एक और मामला निकलकर सामने आया है। पिछली बार प्रेमिका थी और इस बार पति मां बेटे ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया। हत्या की वजह क्या रही और कब का ये मामला है, कितने दिन से ये चल रहा था? देखिए, ये मई के महीने का मामला है लेकिन जून में ये संज्ञान में आया। 5 जून को इस पूरे मामले पर जो है वो रिपोर्ट दर्ज की गई। जब पांडव नगर SHO जो है वो कल्याणपुरी की तरफ से गुजर रहे थे तब उनको स्मेल आई कूड़े के पास से, तब वो उतर के देखा तो उन्होंने देखा कि कई सारे बॉडी पार्ट्स वहाँ पर पड़े हुए नजर आए। 2 बॉडी पार्ट्स थे जिनको वहाँ पर कलेक्ट किया गया। उसके बाद ये संज्ञान लेने की जो स्थिति है वो शुरू हुई कि क्या ये 2 बॉडी पार्ट्स किसके हैं। वहाँ FSL टीम को बुलाया गया, वहाँ कलेक्शन किया गया। इसके बाद कल्याणपुरी में करीब 7 से 8 पार्ट्स, त्रिलोकपुरी में करीब 10 से 12 पार्ट्स और ऐसे में जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है उसको पूरा छाना गया। और इन तमाम जगह पर जब छानबीन की गई तो करीब 22 से ज़्यादा ऐसे पार्ट्स थे जो बॉडी पार्ट्स पुलिस ने रिकवर किया। करीब 6 महीने से मामला चल रहा था। आपको याद होगा कि जब श्रद्धा मर्डर केस में ये बात निकल के आई थी कि पूर्वी दिल्ली में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे और ये मौत भी जो है जो मर्डर हुआ था वो करीब 5 से 6 महीने पुराना है और उस समय श्रद्धा मर्डर केस के साथ इसको जोड़ा जा रहा था। तो ऐसे में लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रही थी, जाँच कर रही थी और सेल में जो रिपोर्ट आई तो उसमें देखा गया कि जितने बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए हैं वो सब की सब एक ही व्यक्ति के हैं और इसीलिए पुलिस को थोड़ी बहुत इसमें एक क्लू मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि जहां जहां बॉडी पार्ट्स फेंके गए थे वहां पर सीसीटीवी कैमरे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये देखा गया कि एक महिला और एक पुरुष बाकायदा वहां पर पहुंचते हैं, 10 मिनट रुकते हैं, बॉडी पार्ट फेंकते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और ऐसा करीब 3 से 4 लोकेशंस मिली जहां पर सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में बेहद अहम भूमिका अदा करी और शायद यही वजह है कि लगातार दिल्ली पुलिस पिछले 5 से 6 महीने में इस गुत्थी को सुलझाने का लगातार प्रयास कर रही थी। लेकिन हाँ, जे मर्डर केस ये समझाता है कि किस तरीके से ये पूरा प्री प्लान तरीके से किया गया था। पहले जो है वो नशे की गोलियां दी गई, उसके बाद हत्या की गई, उसके बाद 22 टुकड़ों में उसको काटा गया और त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, ईस्ट दिल्ली के तमाम इलाकों में इसको फेंका गया। बेफिक्र होकर ये दोनों जो है पुरुष और महिला जाते थे वहां पर फेंकते थे, ये भी ना सोचे कि यहां पर सीसीटीवी है या फिर नहीं है। और शायद यही वजह है कि इनके पकड़ने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका सीसीटीवी ने अदा करी।